नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। भारत के लक्ष्य सेन और पारुपल्ली कश्यप मंगलवार को यहां इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहले दौर में सीधे गेम में हारकर बाहर हो गए। अल्मोड़ा के 21 वर्षीय सेन शीर्ष वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी केंटो मोमोटा से 53 मिनट तक चले मैच में 21-23, 15-21 से हार गए। पिछले सप्ताह भी उन्हें दो बार के विश्व चैंपियन मोमोटा से हार का सामना करना पड़ा था। पुरुष एकल के एक अन्य मैच में पारुपल्ली कश्यप को सिंगापुर के लोह कोइनू ड्यू से 11-21, 14-21 से हार झेलनी पड़ी। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की पुरुष युगल जोड़ी भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच से बाहर हो गए। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम के सदस्य रहे सूर्यकुमार यादव को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि राहुल पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। राहुल यहाँ के ग्रीन पार्क स्टेडियम में टीम के शुरुआती अभ्यास सत्र में शामिल नहीं थे। इसमें टीम के अन्य खिलाड़ी ने सहभाग लिया था। राहुल की चोट के प्रकार और गंभीरता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। भारतीय कप्तान मिताली राज ने मंगलवार को यहां जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम रैंकिंग के बल्लेबाजों में सूची में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि उनके हमवतन अनुभवी खिलाड़ी झूलन गोस्वामी गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर कायम है। महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ। मिताली 738 अंक के साथ दक्षिण अफ्रीका के लीजे ली और ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली से पीछे है। एक अन्य भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना 710 अंक के साथ छठे स्थान पर बनी हुई है। खेल समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट सुकले बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास घोगली रोड बेसा नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं।
बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में। तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, देखते हैं आगे की खबरें। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल की बायजान की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज की तैयारी के लिए अब वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे। आखिर भारतीय सीनियर चयन समिति के केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव का नाम को नामित किया गया है। और दो बार की ओलंपिक खेलों की पदक विजेता और स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 17 दिसंबर को स्पेन के ह्यूएल्वा में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट आयोग में चुनाव में फिर से लड़ेगी। बीडब्ल्यूएफ के एक बयान में कहा कि विश्व चैंपियन और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु फिर से चुनाव के लिए खड़े होने वाली एकमात्र एथलीट आयोग की सदस्य है। उपलब्ध 6 पदों के लिए 9 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। खेल समाचार में वक्त हो चला है यही रुकने का, आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।